अपने पूर्ववर्ती वक्ताओं द्वारा कही गई बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हम में से किसी की हैसियत नहीं है कि हम उन बड़े लोगों के बारे में छिद्रन्वेषण करें जिन्होंने इतिहास का निर्माण किया है। किस परिस्थिति में, किस वातावरण में उभय पक्ष के नेताओं ने क्या निर्णय लिया, संविधान सभा में कब क्या कहा, कब क्या किया, किसी की कैबिनेट में रहकर किस मजबूरी से चुप रहे, इन तमाम इतिहास को एक विद्रूप तरीके से एक वर्तमान के संदर्भ में जो ज्वलन समस्या है उसका निरूपण करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अपने पुरखों को बदनाम करना। और जो लोग इस सदन में हमारे पुराने साथी बंगाल के तृणमूल के साथी मानस भुइयां से लेकर के सभी एक समय हमारे साथ काम किए हुए, इन सब लोगों से मैं अनुरोध करूंगा। आज मुझे सवेरे सवेरे वहाँ के प्रसिद्ध गायक हेमंत कुमार की एक कविता है, खिड़की थे के सिंह द्वार यही तो मादेर पृथ्वी एर बाहिरे जगत आचे तुमरा जानो ना तुमरा किछु ही मानो ना, कि खिड़की से सिंह द्वार तक अपने महल के तुम्हारी दुनिया है, उस दुनिया के बाहर कोई दुनिया है तुम्हें पता ही नहीं, तुम एनआरसी की आप बात कर रहे हैं लेकिन कश्मीर के पंडितों के बारे में कोई चिंता नहीं कि उनके साथ क्या अत्याचार हुआ है। मैं संजय सिंह और मिश्रा जी इनकी बड़ी तारीफ करूँगा कि कम से कम इन्होंने इतिहास के पुरोधाओं की बदनामी न करते हुए कश्मीर के पंडितों की चिंता की, लेकिन जब बहन जी की सरकार थी तो एक कानूनी आप भी बना देते शिवसेना की तरह, और हमारी भी सरकार थी, हम भी वहाँ थे, हम भी दोषी थे उस समय, हम लोगों ने भी कश्मीर पंडित को उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं दी। लेकिन राजनीति के लिए राजनीति करना हम छोड़ दें, क्योंकि भूतकाल व्याकुल करे और भविष्य कुलाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए। वर्तमान ये है कि अमित शाह गृह मंत्री हो गए और उनके अंदर पुंसत्व है, कठोरता है और अपनी स्थिर प्रज्ञता है, उससे कश्मीर की समस्या का समाधान होना चाहिए और मुझे उम्मीद है वो करेंगे। ये कहकर मैं उनके द्वारा प्रस्तावित सभी प्रस्तावों का समर्थन और अनुमोदन करता हूं।